सो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और ब्लॉग के अंदर। और पिछले 3 दिन से पढ़ाई हो नहीं रही है। जो माइनर 4 पेपर दिया था, इसके बाद से हमारी पढ़ाई एकदम ढिलाई चल रही है और पढ़ाई में मन लग नहीं रहा है। विवेक सर से मिले थे हम, वो कह रहे थे कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पर अंदर से जो पावर होती है वो कमज़ोर हो चुकी है। तो अभी थोड़ा मन किया कि काफ़ी दिनों से रूम के अंदर ही हम हैं और अभी लगभग हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं आज कुछ बर्गर वगैरह खाने के लिए। और यहाँ पर पास में कलाम अकेडमी के पास में कहीं एक दूध वाला है जो काफ़ी मतलब उसको उबाल कर पिलाता है, तो उसका थोड़ा टेस्ट टेस्ट करते हैं और मन लगाने की सोच रहे हैं वापस से पढ़ाई करने के लिए, पर लग बिल्कुल भी नहीं रहा है। सो आई होप कि अब इसके बाद थोड़ा सा दिमाग सही ठिकाने पर आए। पिछले 3 दिन से अभी तक माइनर जो फिफ्थ होने वाला है उसके लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं। और बुकलेट भी मिल चुकी है, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा बुकलेट का आपके लिए। जो एक किसी भाई ने भी कहा था कि उसका मुझे वीडियो शो करना, तो उसके लिए बना देंगे। सो अभी चलते हैं, कुछ खान पान करके आते हैं और दिमाग को सही जगह करते हैं। फिर रात को फुल नाइट वैसे हमारी लाइब्रेरी होती है तो हम वहीं रहते हैं, तो लाइब्रेरी वापस ज्वाइन कर लेंगे। आज 3 दिन से तो गए नहीं है, वो कुर्सी वैसे खाली पड़ी है हमारी। सो चलते हैं फिर अभी, सी यू। सो ये गुड्डू भैया की देखो उनके अभी शेविंग वेविंग कर दिया और इसके बाद सीधा अभी जा रहे हैं। एक बर्गर खाएंगे आज गुड्डू भैया, बर्गर का प्लान बनाओ यार, बहुत दिन हो गया बर्गर का। बर्गर प्लानिंग है, एग्जाम के दिन अच्छा नहीं लगता इनको बर्गर का मज़ा नहीं आ रहा और मुझे इच्छा है फुल बर्गर खाने की। देखते हैं और क्या क्या करना है। दूध वाला कहाँ है? दूध वाला भी ना यार, नहीं जा रहे। तुम तो कह रहे थे दूध पीना ही, वो अभी थोड़ी पिलाएगा रात को। कितने बजे? साढ़े सात। चलो ठीक है, सीधा कलाम अकेडमी में बाहर निकले, हमारे रूम से सीधा कलाम अकेडमी। शाम हो चुकी है, ये पानी पताशा वाले भैया हमारे खास करके, तो बुआ जी कहाँ है? तो बुआ जी है क्या? ये श्रीराम गली के अंदर से श्रीराम कोचिंग सेंटर है ये, दूध तो बनाया और बस आप दूध बना लेकर नहीं बनाया दूध दूध हाँ दूध हाँ थोड़ा लेट से था भाई साहब। कितने बजे का करोगे? आधा घंटा लग जाएगी अभी, आधा घंटा लग जाएगा। हाँ तो ये तो अभी आधा घंटा बोल रहे हैं दूध के लिए, आधा घंटा लग जाएगी अभी। बस आएगा बार वो चाय गया है, चाय यहाँ ये नहीं पिया तेरी इच्छा हो तभी आगे चल रहे। तो तू टेस्ट कितने वाला भैया वो दूध कितने वाला देश का? केसर वाला? हाँ केसर वाला, वो मट्टी के सिक्का वाला मैं देवा नहीं। चलो ठीक है, 7 बजे तक, 7 बजे तक 70 ग्राम बेसी। हाँ हाँ मट्टी का तीन ताजी होता। चलो ठीक है अभी दे जाए। ये तो मतलब 30 का बोल रहे हैं केसर दूध और लगभग आधे घंटे बोल रहे हैं। गुड भैया एक बर्गर खा लेगा क्या? इच्छा बर्गर चाउमीन चाउमीन खा ले फिर पराठे खा ले। पराठे तो पराठे अपने वैसे भी मैस में खाएंगे सी, अभी तो इनको पराठे खाने पड़ी। मैं बोल रहा हूँ कि बर्गर चाउमीन कुछ फास्ट फूड में और कुछ नहीं पसंद नहीं क्या? लाइक नहीं यार, आई डोंट लाइक फास्ट फूड। जलेबी खा ले मैं सब्जी हो रही जलेबी बर्गर पड़ी आपको, और तो फिर क्या खाओगे यार? पिज्ज़ा खाना है? अरे रोग अपन तीखा है, देखते तीखा। चलो इनको तीखा खाने की इच्छा है, देखते आगे आगे कुछ अगर मिलता है ऐसा तो भ्रमण करते हैं थोड़ा, और मिल जाएगा ऐसा लग तो रहा है हमें। ये था हमारा पिज्ज़ा, इधर इनका शेड्यूल एक बार देख लेते हैं। पनीर डोसा, वेज बर्गर भी हैं, चाउमीन भी हैं, मंचूरियन आलू टिक्का पराठा 60 रुपया, और हमारे गुड्डू भैया ने तो मना ही कर दिया इसका, तो आई थिंक तो फिर ये गुड्डू भैया को ऑमलेट कर रहे हैं। वाओ सुपर, काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है, ऑमलेट खाने का बोल रहे हैं। तो देखते हैं अंदर जाके क्या होंगे, कुछ कैफे का सीन बनता है नहीं बनता है। क्या कुछ मेन्यू क्या है? मेन्यू वही है क्या? कितना है?
कुछ नहीं यहाँ तो लिखा है वो बोल भैया के पास ले लो। सो अभी फाइनली एक हमें कैफ़े मिला है, इसका नाम क्या है? चपरी फूड्स का। और इस पर काफ़ी एक अच्छा ऑफर भी है, अगर कभी आप आओ तो इस पर लिख रखा है कि अगर आप अपनी पोस्ट को सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब पर अगर अपलोड करते हो तो आपको 100 रुपये तक के डिस्काउंट मिलेगा 10% का। तो आप कभी भी आनंद लेना चाहते हो तो आप आइएगा, और मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। काफ़ी एक अच्छा कैफे है, एक बैठने लायक कपल के लिए भी और फ्रेंड्स के लिए भी। कैसा लग रहा है आपको कैफे भैया? ये इतने 4-5 महीने हो गए मुझे सीखने में, मुझे अभी पता चल रहा है कि कैफे इतना अच्छा भी है यहाँ पर। ये देखिए हाँ, ये इनका यहाँ पर स्टाफ वर्क है और ये पूरा बैठने का सीन है यहाँ पर। काफ़ी शानदार कैफे, आप भी पता जाएगा यहाँ पर। और अभी हमने ऑर्डर कर दिया गुड्डू, आपका ऑर्डर क्या था? ऑमलेट का था ना, मसाला ऑमलेट थी। और मैंने जो ऑर्डर किया है वो हमारा टिक्की बर्गर किया है। तो अभी वेटिंग के अंदर है हमारे, शायद ऑर्डर नंबर 4 से 5 नंबर वाला है, तो हमारा आएगा। और कुछ इस तरह का इनका कैफे जो काफ़ी एक अच्छी लोकेशन प्रोवाइड करा रहा है ये। सो फाइनली वी आर डन आवर फूड, और आज ऐसा चक्कर हो गया कि अंदर गए और खाना खाने खा ली, भी खा भी लिया, फिर पेमेंट ऑनलाइन हो ही नहीं रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का सर्वर हो गया डाउन, ये थोड़ी देर तो लगा कि अब रूम पे जाने पड़ेगा, नहीं तो बटन साफ़ करने पड़ेंगे। तो काफ़ी अच्छा था उनका यहाँ पर ये जो फूड्स वगैरह था, काफ़ी अच्छा था उनकी जो मेंटेनेंस सर्विस और क्लीन नीट वेरी काफ़ी नीट एंड क्लीन भी था। आप ये ऊपर देख सकते हो इनका ये पूरा सर्विस का, ये सर्विस का। कभी टाइम मिले आपको तो जाना, और यहाँ पर डिस्काउंट काफ़ी अच्छे मिलते हैं अगर आप कपल में हो या फिर मतलब फ्रेंड्स वगैरह जाते हो तो डिस्काउंट वगैरह मिल जाते हैं। तो गुड्डू भैया कुछ कहना चाहोगे? कैसा लगा खाना वगैरह? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं ये पुलिया पे, वहाँ पर गुड्डू भैया को आंवले लेने, और हमें केले लेंगे या फिर एप्पल लेंगे, मुझे कोई एक लेंगे। और काफ़ी दिन भी हो गए थे तो फ्रूट्स वूट्स खाए, तो अभी जाके लेंगे पुलिया पे, जो वहाँ पर सब्ज़ी मंडी लगती है। सब्ज़ी मंडी है ना वो, फ्रूट मंडी है? सब्ज़ी मंडी दोनों है। अच्छा, मतलब तो ये करीब करीब 5 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे पुलिया के अंदर। और लोड नहीं है, कितना ले रहे हो? आधा किलो पाव ले रहे हो? मूली भी है, शायद केले यहाँ दिख नहीं रहे मुझे, तो केले शायद कहीं और लेना पड़ेंगे आगे से, वो नहीं केले वहाँ से ले लेंगे। दूध वाले भैया पास आ गए हैं, और वाह मलाई भी डाला नहीं, मलाई कमाई नहीं मिलाती आज के, कम ही चढ़ाई गई। अच्छा, चलो कोई नहीं, ये दूध का बना रहे हैं। और फाइनली अब हमारा पीने का टाइम, मीठी करना थोड़ी, हाँ मीठी ठीक है अंकल जी। ये अंदर बैठने का है कि नहीं है? अंदर बैठने का है। तो चलो अंदर सीधा चल लेते बैठने के लिए। आइए जो अपने आप देखिए, ये गुड्डू में कंटिन्यूसली हिचकी ले रहे हैं इसलिए ये फिर आवाज आती निकल गई। पिछले 15-20 मिनट से हिचकी ले रही है कंटिन्यूसली। कुछ बोलोगे दूध के बारे में? दूध उम्मीद के हिसाब से नहीं रहा, इतना ही कहना चाहूँगा। हमारे बांसवाड़ा में देख लो इससे क्या दूध मिलता है यार, ये तो थोड़ा पतला था।
नॉट बैड, अच्छा ही था। बुराई करके फिर बाद में बोल रहे अच्छा था, ये भी सही। समायोजन कर दो दिन का तो पतला था, जितनी उम्मीद थी उसके अकॉर्डिंग तो नहीं बैठा, बट ठीक है, उसका टेस्ट अच्छा था, मीठापन था और लाइक इट।